नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। आज मैं आपके लिए खबर लेकर आया हूँ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट से। जी हाँ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आज एक और नोटिस इशू कर दिया है, और नोटिस किसके रिगार्डिंग है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नोटिस आया है कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश रेस्ट ऑफ हरियाणा फॉर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2015 कैटेगरी नंबर 5। जी हाँ, इंग्लिश के पीजीटी टीचर्स के इंटरव्यू का कॉल है ये। तो एक लिस्ट जारी की है, उसमें उन्होंने इंटरव्यूअर्स के रोल नंबर डाले हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आप उनको देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है आपको इंस्पिरेशनल गुरुजी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एचएसएससी की ऑफिशियल साइट पर भी मिल जाएगा, तो आप वहां से विजिट करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका रोल नंबर भी इसमें है या नहीं है, अगर आपने पीजीटी का एग्जाम दिया था इंग्लिश के पेपर का। तो चलिए देख लेते हैं कब कब ये एग्जाम हुआ। दोस्तों, एग्जाम हुआ था पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जाम 27 मार्च 2016 को, और डॉक्यूमेंट जो थे वो 4/2/2017 से 9/2/2017 के बीच में, और 13/11/18 और 15/11/18 फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश, जो स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट की 4 तारीखों में हुई थी। फिर अब उन्होंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि भर्ती जितनी टोटल वैकेंसी है 649, यानी 649 पोस्टें हैं और 1298 कैंडिडेट उन्होंने बुलाए हैं इंटरव्यू के लिए आपके पीजीटी इंग्लिश की। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज उन्होंने रोल नंबर दे रखे हैं और टोटल पोस्ट दे रखी है। जनरल के 326 कैंडिडेट, 326 पोस्टें हैं, और उन्होंने डबल यानी 652 कैंडिडेट्स को बुलाया है। उसी तरह हम आगे चलते हैं। आगे भी मैं आपको बता देता हूं कि एससी की पोस्ट ये उन्होंने, मैं आपको सिर्फ मेरिट भी बताऊंगा इसमें भी, मेरिट किस बेसिस पे गई है। तो जनरल की जो मेरिट पीजीटी की गई है वो 98 नंबर गई है कट ऑफ, इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ है वो 98 मार्क्स है, 98 मार्क्स है। वहीं ये रही 98 मार्क्स, बड़ी खबर आपके लिए, मेरिट जो इंग्लिश की पीजीटी की है वो गई है 98 जनरल कैंडिडेट के लिए। वहीं एससी पोस्ट 129 थी, उनकी जो मेरिट गई है वो गई है दोस्तों 78, यानी 20 नंबर का फर्क है एससी और जनरल में। वहीं बीसीए की 65 पोस्टें थी, उनकी जो मेरिट गई है वो 94, और बीसीबी की 32 पोस्ट थी, उनके लिए इक्वल टू जनरल यानी 98, और ईबीपीजीसी उनके लिए 80 नंबर, ईएसएम की 33 पोस्टों की 70 नंबर, और अदर हैंडीकैप की 88, विजुअली हैंडीकैप की 9 पोस्ट थी, 78 उनकी मेरिट गई है। तो नो अदर एलिजिबल कैंडिडेट अवेलेबल इन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में और कोई अवेलेबल कैंडिडेट है नहीं, और ये नोटिफिकेशन 4/2018 का ये लेटर है। तो बड़ी खुशखबरी उन अभ्यर्थियों के लिए जो इनका एग्जाम पास हुआ है और डॉक्यूमेंट की उनकी जांच हो गई है और स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया है, अब उनको उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो आप सभी को इंस्पिरेशनल गुरुजी परिवार की तरफ से इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका साक्षात्कार अच्छा जाए। अगर आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग कोई टिप्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी दे रखी है, वहां से पूछ सकते हैं। और एक और, आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, साथ में हमें ड्रीम सक्सेसर फेसबुक पेज पर भी फॉलो करना ना भूलें। आप सभी का दिन शुभ हो।